एक मेरे सामने मुनार गांव में बादल फटा है ऊपर से पूरी। यहाँ पे पब्दा हमारे रात के 1:30 बजे कैसा हुआ था उस टाइम पे? भूकंप टाइप का हुआ था ना। हाँ, मैं तो कहता कि भूकंप हो गया पूरा। रात को बाहर बाहर देखने के लिए आए तो पत्थर आ रहे होंगे। यहाँ पे देखो ये ऐसे लग रहा है नदी आ गई हो बड़ी वाली। अच्छा था यहाँ पे 3-4 बड़े पत्थर आए थे जिस कारण पानी उधर को पलट गया था। तो इस घर के मालिक हमारे पास पांडे जी मौजूद हैं। तो पांडा जी बताओ रात को क्या सीन हुआ था यहाँ? वीडियो की शुरुआत कर कर कैसे करते हैं? ये जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, हम लोगों ने जो इधर पानी जा रहा था उधर डाल दिया पूरा। सामने देख सकते हो यहाँ पे बादल फटा था। अभी थोड़ी देर में जाऊँगा क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं है, रात को लाइट नहीं थी। ठीक मेरे सामने मुनार गांव में बादल फटा है ऊपर से पूरी सैलाब आया वहाँ फटा शायद बादल और पानी बहाव है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा साफ हो गया है। इधर साइड को दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ का पुल कहाँ गया भाई? यहाँ का पुल पूरा गायब हो गया है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ठीक सामने रोड पर आ रखा है एक मकान, बाल बाल बचा पांडा जी की दुकान। अभी थोड़ी देर में जाते हैं उधर। हमारे गांव को भी खतरा है, ठीक सामने यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया, पत्थर पता नहीं रात को गायब हो गया, सीधे गधेरे में आ गया है। मतलब 2-3 बजे तक तो सोया नहीं मैं डर के मारे, ये खतरा हो रखा है। और इधर साइड भी पूरा हो रखा है यार। तो हम जा रहे हैं नीचे मुनार, मैं जा रहा हूँ मुनार एक छाता लेके, क्योंकि बारिश का कुछ अता पता नहीं है गांव में कब बारिश हो जाए। अभी दिखाता हूँ नीचे कितना नुकसान हो रखा है हमारा। गाइस देखते हो ठीक मेरे सामने ऐसा हो रखा है। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कल रात मुनार में बादल फट गया था और वही वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ। अभी तो मशीन लग गई है क्योंकि नीचे दुकान तक बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ और मेरे चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लाइक करना ना भूलें। बुड्ढा क्या कहना चाहोगे फिर, कल रात को कितनी बारिश लगी यहाँ पे? बारिश लगी तो बहुत लग गया है। कौन बच गया पांडे जी? बच गया है। ये बुड्ढा है हमारे नेपाल से हैं। कितने साल हो गए आपको पहाड़ में? 30 साल से यहीं पे हैं हम। इनको बूटी दा बोलते हैं, बूटी दाई। हेलो बोल दे बुड्ढा ऐसे, ये नेपाली में बोल दो कैसे हो। ठीक है नहीं कैसे हो करके नेपाली में क्या बोलते हैं? राम रो। हाँ राम रो। चलो बुड्ढा अभी मुनार आ रहा हूं। चलो फिर नीचे निकलते हैं। फिर ये देखो मुनार की हालत, वहीं पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। डब्बू डब्बू कहाँ जा रहा है? आजा। ये बाट है यार नाचे ना, बाट नाचे तो भाई। आपका दिन ना धनुगा। ये देखो ये पेड़, मम्मी वाला पेड़ भी आ रखा है वो। ये बाट मजा ही नहीं होता है पूरा उधर को। तो सब नीचे जाके मिलना पड़ेगा। चल फिर ऊपर से चलते हैं। वो वाला पेड़ भी आ गया यार। रास्ता देखो ऐसे डाउन में जाना पड़ रहा है, पूरा रास्ता खराब हो गया जब से गांव में रोड आ रखी है। ताल पानी गदियार वाला उड़ है यो। वाह अब वाला पानी इधर आने लग गया यार। यहाँ ना जबर धनु पे
ताज मां सरयू नदी भी उफान पे है यार, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है धानपुर घाटी में। एक छोटे से गधेरे में देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, सोच सकते हो समझ सकते हो कि कितनी तगड़ी बारिश हुई होगी रात को। जो ये नदी पार जा रही थी अब वार आ रही है, वहां जहां पे हम नहाते थे वो तो गायब ही होगी अब। जो इधर पे यहाँ पे हम नहाते थे वो तो गायब ही हो गए हैं, और जो नदी उधर को जाती थी इधर आ गई अब। समझ सकते हो रात को कितनी बारिश आई होगी। मलबा यहाँ तक आ रखा है अपनी बाइक, तो आपको ले चलते हैं जहाँ पे बादल फटा था। एक छोटा सा गधेरा, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं उस गधेरे में, इतना इतनी गाड़ियां रखी हैं। यहाँ पे पब्दा है हमारे, रात के 1:30 बजे कैसा हुआ था भी उस टाइम पे भूकंप टाइप का हुआ था ना। हाँ मैं तो रोता कि भूकंप हो गया, रात को बाहर बाहर देखने के लिए आए, बाहर देखने के लिए आए तो पत्थर आ रहे होंगे, क्या करते हो क्यों वापस निकले अंदर से। अच्छा ये देखो ये हालत हो रही है, इतने बड़े पत्थर आ रखे हैं यहाँ पे देखो, ये ऐसे लग रहा है नदी आ गई हो बड़ी वाली, ऊपर से ही आ रखे हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। इतना ठुल डांग आ लानी वो वाली है बादल का फाटो एक। हाँ इतना ठुल डांग है बा उसका पूरे शॉप में तेल बड़ी हो कभी गए जा रहा था, इतना डूंगा पा ये रोड रोड पे खाने हूँ बोला ये डूंग नहीं होने पूरे कूड़ पकड़ को है, मतलब ऐसा हुआ देखो इन पत्थरों के कारण नदी इधर को चली गई, गधेरा था। अगर ये पत्थर नहीं होते तो सामने जो दो घर थे साफ हो जाते, सामने गाड़ी थी वो भी साफ हो जाती। धन्य है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, नदी इधर को चली गई थी। प्रधान जी पहुंच गए हमारे प्रधान जी, और ऊपर से हमारे गांव का भी नज़ारा देख सकते हो आप। कपकोट विधायक सुरेश गड़िया जी भी बता रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये है विधायक जी। यहाँ ये पत्थर नहीं तो ये देख यहाँ से ये नदी इधर से चलेगी ना ये वाली, नहीं तो ये दोनों घर साफ हो जाते गाड़ी भी। और ये डूंगा अल्पो ये डूंगा जैसे भी लग गए हैं। तो गाइस अभी हम हैं मुनार में, और ठीक है सामने घर दिख रहा है, ये घर बाल बाल बचा था। यहाँ पे 3-4 बड़े पत्थर आए थे जिस कारण पानी उधर को पलट गया था। तो इस घर के मालिक हमारे पास पांडे जी मौजूद हैं, तो पांडा जी बताओ रात को क्या सीन हुआ था यहाँ पे। 1:30 बजे एकदम डैम बनने के बाद एकदम पूरा मलबा आया, पूरा फायर जैसी हुई ऊपर, मतलब
ऊपर डैम बन गया। अच्छा डैम बन गया था। कितने बजे कन कितने बजे करीबन? 1:35 हाँ 1:35 पे ऊपर डैम बना, बादल फट गए। हाँ उसके बाद इकट्ठा पानी आया, उसके बाद बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए इधर रोड के ऊपर पूरे पत्थर आ रहे थे। 2-3 पत्थर आए, उससे जो है बड़े पत्थर आने की वजह से जो है मकान बच गए, गाड़ी गुड़िया बच गई। उधर को पानी चले गया था, उधर को नीचे को गैप बन गया, फिर पानी चला गया। ये मतलब कितने टाइम तक रहा? आधा घंटा रहा, 1 घंटा मतलब उसके पूरा 1 घंटा तक पानी आता रहा। अगर वहाँ से अगर बड़े पत्थर नहीं लगते तो क्या होता? पूरा बाजार साफ हो जाता, साफ हो जाता, नीचे तक चला जाता पूरा बाजार। वो धन्य है कि 3-4 बड़े पत्थर वहाँ पे आए जिस कारण जान बची। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों कि जो 3-4 बड़े पत्थर थे ना यहाँ पे, जिस कारण पानी का बहाव इधर नीचे हो गया था। ये देखो इधर से पूरा पानी इधर को चले गया था इन 3-4 पत्थरों के कारण। ये इधर को गया पानी, पता है रात को अगर इधर को नहीं जाता ना, ये फील्ड बन गया भाई नीचे। इधर को तो इधर को फील्ड की पड़ी है। सोच एक मिनट के लिए सोच ना, ये बड़े पत्थर नहीं होते तो पानी कहाँ जाता पता है? तिरवंदा का मकान साफ हो जाता है ये रात में। सच में ये बड़े पत्थर की कृपा है, ये वाले पत्थर जो भी ये बड़े पत्थर है। आए दिन लगो यार पड़ना ये सोच रही थी, बहाव पूरा बना दिया ये। तिरवंदा बाबू के खेत साफ हो गए। कितने 1:30 बजे के करीबन ना ये नींद खुली है ना खुली फो? अच्छा वो तो धन्य है कि इन पत्थरों की कृपा जिन कारण यहाँ पे मुनार मार्केट बच गया। मतलब जितनी गाड़ियाँ थी वो साफ होने से बच गई है। मनोज भाई भी डर रहे हैं रात को ऑनलाइन 3 बजे तक। मनोज भाई का घर है ठीक पार, तो क्या डर लग रहा है आपको? ये रात को 3 बजे तक ऑनलाइन रह रहा है। वो भी मच्छा भी बच रहा है, तो अच्छे से रहना भाई क्योंकि पत्थर आ सकता ऊपर से। मेरे अभी तो वही हो रखा है वो पार। कमल बाबू को देखो वहाँ, ठीक है जो डूंग न्यू ना कदम पाणपत है रोड रोड है धन और जदी गाड़ हमने साफ दयाल दा दुकान साफ पांडा जी का अंदर गुड़ साफ वाह हल्का लगा यहां भी आ रखा है। मतलब देखा टायर किन दे पंचर हो गया जदाई बग गाड़ ना बग यार पंचर हो गया। हां पंचर हो गया। वाटरफॉल उधर से बारिश शुरू हो गई है। सो गाइस घर पहुंच गए हम, और हमारे गांव को भी ऐसी खतरा है। अभी ले जाऊंगा ऊपर गधेरे पे, वहां भी ऐसी हो रखा है। वीडियो की शुरुआत कर कैसे करते हैं? हेलो हेलो एवरीवन, बोल 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 बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। हाँ चल फिर गांव दिखा अपना। और तीनों भाई बहन क्या कर रहे हो? तीन 55 हो गया, आप जाके नींद खुली है। और अभी देखा तो बारिश कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पिछले 1 घंटे से बारिश है वाले 1 घंटे से। खाना खाते हैं। क्या बना बना दाल। चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं।
छादा खोलता हूँ फिर छत पे ले चलता हूँ मैं आपको। चलो फिर छत ही हो, कितनी जोरदार बारिश हो रही। उधर देख रहे हो दो झरना आ रहे हैं, मतलब देख सकते हो जहाँ पे कभी पानी नहीं आता था वहाँ पर झरना आ रहा है। कितनी तगड़ी बारिश हो रही, यहाँ से निकलती माँ सरयू नदी। 2 घंटे हो गए बारिश को, चारों तरफ देखो। हमें पता है कहाँ से खतरा है, एक तो एक गधेरा आता है ये वाला, एक गधेरा उसके पार आता है, अगर ये दोनों फट गए ना तो बीचों बीच आ जाएगा, कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रात और जगना पड़ रहा है आजकल, जगना तो क्या पड़ रहा है। यहाँ से दिखाता हूँ नीचे, सब लोग सोए पड़े हैं, सोए तो क्या होंगे, अमल भाई ये बोझी ए बोझ की बुला है। चंदू भाई ए चंदू ए चंदू, तेरे को समझ नहीं पा रहा कौन बोल रहा है। यहाँ से जाता हूँ, बंदर हका रहे हैं। डूब रहा है कहाँ है, चल चंदन भाई फेंक। पकड़ 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 पकड़, तो उठाया जी मैं, और फूल वाला ना था ये वाला, ये बिक्की फौजी भाई ये वही उत्तर गाड़ हो तेल तक पानी ना हो, ये ताल पादी रहे ये ला देखा, ये ताल पादी ना जी कोई तेल तू ना ला मार के उन्होंने चाहिए पानी आई दी मनी हो और मैं चाहिए तेरे ताल पादी रहे ये ला चपेर फाटू आ जी। बारिश का मजा ले रहा है, चल मार पत्थर बोल। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हमारे गांव को भी खतरा है, रोड कटिंग चल रही ना ऊपर, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये यहाँ से आ रहा पानी है, ये हमारा पीने वाला स्रोत है। एक तो ये वाला गधेरा कभी भी फट सकता है, और एक उधर साइड को है ये वाला गधेरा है, खतरा मार ले।
ये गदेरा आ रहा ना, ये इधर को जाएगा तो हमारा गांव साफ हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया इधर पूरा ढलान कर दिया, ये अब पानी इधर को जाएगा पूरा। है चल निक्की भाई लगे पड़े हैं यहाँ पे ढलान करने में। अबो चली खूटवाल यार, अबो अबो कमले लाड़े आल रहू। अब हम लोग यहाँ से पार देखने वाले, जहाँ पे कल बादल फटा था वहाँ की पुल थोड़ी सी बची है, वो वहाँ पे तो वहीं पे ले चलता हूँ मैं आपको। गाइस पहाड़ में यही खतरा रहता है यार बरसात के दिनों में कि कब आपदा आ जाए पता भी नहीं चलेगा। रोड आजकल कटिंग चल रही है रोड की घासी के लिए ऊपर। ये रहा हमारा गांव। ये रहा हमारा गांव और ठीक सामने इधर रिखाड़ी गांव है। यहाँ से आपदा आई थी ना मुनार में, इधर से तो इधर से मुनार साफ दिखाई देता, कितना खतरा और है। ये है मुनार गांव, ये देखो इधर आपदा आ रही है पूरी है। ये जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, ये मैंने आपको भी आगे बताया था, इनकी वजह से जो रोड में पानी आ रहा था वो उधर साइड को चले गया इधर को, जिस कारण ये घर और यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं वो बच गई थी। सॉरी नदी, ये हमारा गांव, ये पार देखो ये हाल हो रहा है। कब भाई क्या बताना चाहोगे, कल जो बारिश हुई थी रात, मतलब वो जो गदेरा आ रहा था उसने सारी नदी इधर को पलट दी। एक्चुअली क्या था, उधर से रोड ये वाली सरयू नदी इधर थी है, लेकिन जो कल रात को बारिश हुई थी जिस कारण गदेरा आया ना, ये वाला अब नदी इधर को आ गई है। तथा रावल दा शोज अब हम लोग दूसरे गदेरे पे जा रहे हैं, वहाँ पे तो बड़ा पत्थर आ रखा है तो वहीं पे ले चलता हूँ आपको। हम लोगों ने जो इधर पानी जा रहा था उधर डाल दिया पूरा, कम से कम आधा घंटा लगा हमें, अब आगे दूसरे वाले पे जाते हैं गदेरे पे। बड़ा वाला पत्थर कहाँ रखा है, मजा वो धनुआ जी ये रोड कटिंग चल रही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।